अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद है अजान। अच्छा अजान, ये जो है ना मेरा नया दोस्त है। अच्छा इसने ना वो जो सुरखाब मेरे खो गए थे ना, ये बच्चा पकड़ के लाया था, तो ये वो बच्चा है। तो आज ना हम एक सवाल के साथ चलते हैं। वो सवाल ये है, क्या दरख भी बेवा हो सकते हैं? ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है, लेकिन हाँ हो सकते हैं। तो हम ना उसको बताते हैं कैसे बेवा होते हैं और आपको बेवा दरख्तों से मिलवाते हैं। तुमने यहाँ से चीकू तो खाए होंगे ना, है ना? खाए हैं ना। अब इसमें कितने सारे चीकू आया करते थे, है ना? अब इसमें चीकू इतने नहीं आ रहे, क्योंकि ये दरख्त जो है ना बेवा हो गया है। और बेवा कैसे होता है वो बताते हैं। अब यहाँ पे ना इसके इस दरख्त पे, इस जगह पे, यहाँ पे इसका मेल जो है ना प्लांट निकला हुआ था बराबर में, उसको काट दिया, तो इसकी फीमेल जो प्लांट है ना, ये फल देता है। अब फीमेल प्लांट ने फल देना ख़त्म कर दिया, तो इसी तरह से बाकी सारों के साथ भी है। अब ये देखें, इसने भी फल देना ख़त्म कर दिया, इसमें फल बहुत कम आ रहे हैं। जितने भी फल आ रहे हैं ना, ये बहुत थोड़े थोड़े से आ रहे हैं, और ये ना अब मीठे होते हैं ना ये नरम होते हैं, ये सख्त सख्त फल हैं। जब तक इसकी फीमेल नहीं, जो मेल प्लांट नहीं निकलेगा ना, तब तक इसमें वो नहीं आएंगे, पौधे नहीं आएंगे। अब इसमें देखें आप, इसका भी जो है ना यहाँ से मेल कटा हुआ है, सही है, और मेल कटा हुआ है, तो इस वजह से सब बेवा हो गए। एक तो इनके पत्ते भी थोड़े से निढाल हो गए, इनके अंदर वो कोपले भी सही वाली नई नहीं आ रही, वरना इसमें बहुत कोपले आ रही थी। ये देखो, अब ये देखो, इसमें कम कम आ रही है ना, वरना ये बहुत आती थी। इसमें सारे फल गायब हो गए इसके, इसमें भी इक्का दुक्का फल आ रहे हैं, बाकी सब चले गए। देखा, दरख्त भी बेवा हो। अच्छा भाई, अब हम ना मेल प्लांट दिखाएंगे आपको, सही है ना? यहाँ पे ये देखें, इसके भी ना, इस वाले दरख्त के भी देखें, ये कटा हुआ है यहाँ से ना, नीचे से, है ना भाई, अजान कटा हुआ है ना। अच्छा, अब इसके पत्ते और जो है ना मेल प्लांट के पत्ते मुख्तलिफ होते हैं। ये जो है ना मेल प्लांट है, सही है, ये जो है ना नर होता है। अब इसका पत्ते का शेप इस तरह से होता है, सही है। अब फीमेल के पत्ते का शेप दिखाते हैं अजान, ये देखो, ये जो है ना पत्ता, ये फीमेल के पत्ते का शेप है। तो ये मेल और फीमेल जो है ना पत्ते देखो अलग अलग है ना, पॉइंट हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा नोक सी निकली हुई है, ये गोल सा है जो मेल पत्ता है ना, मेल जो है ना गोल सा जो पत्ता है ना वो है चीकू का। अच्छा, इसके अलावा भी ना बहुत सारे दरख्त होते हैं, उसमें भी मेल और फीमेल होता है, जैसे कि खजूर का दरख्त। हम खजूर का दरख्त दिखाते हैं आपको ना, सही है, ये देखें, ये खजूर का दरख्त है, इसमें भी फल सही से नहीं आ रहे, और मीठे फल चाहिए होते हैं ना, और अच्छे फल चाहिए होते हैं खजूर में, तो उसमें भी ना मेल प्लांट लाजमी लगाना पड़ता है। अब ये छोटे छोटे निकले हुए ना, हो सकता है बड़े हो के इसमें कोई ना मेल प्लांट निकल जाए। अब इसी के तरह ना पपीते का भी जो दरख्त होता है, उसमें भी मेल और फीमेल होता है, अगर फीमेल को लगा देंगे वो फल कभी नहीं देगी, और मेल को साथ होगा ना तो ही फल होगा। और ये जो है ना हर तरह से के ना प्लांटों में होता है, ज़्यादातर जो फलों के प्लांट होते हैं ना, उसमें मेल और फीमेल होना ना लाजमी होता है। अब हम चलेंगे अपने फार्म के अंदर, और वहाँ पे क्या लगाने वाले हैं हम लोग, अभी अजान से लगवाएंगे, काम करवाने के लिए इसको बुलाया मैंने। फिर हमने अपनी मुर्गी के अंडे जमा किए जो कि पिंजरे के अंदर थे, तो हम अंदर घुसे। उसके लिए हमें पहले ना दो पत्थर रखने पड़े, तो पत्थर रखे हमने ताकि हमारे कपड़े गंदे ना हो, लेकिन फिर भी मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, लेकिन हमने पत्थर रख दिए फिर भी, ताकि हमारे थोड़े से ना कपड़े बच जाएँ। तो हमने पत्थर रखने के बाद जो है आपको ना अंदर फिट करने की कोशिश की, और हम नहीं घुस पा रहे थे, लेकिन हमने आखिरकार अंदर घुस के अंडे निकाल लिए, और अंडे यहाँ पर निकल गए हमारी मुर्गियों के, तीन कल के और आज के, सही है। इसके अलावा एक चीनी मुर्गी का अंडा ये रहा, सही है ना। अब हम और चलते हैं आगे। फिर हम लेके गए बड़े वाले पिंजरे के अंदर, जहाँ पे मेरी एक चीनी मुर्गी ने ना अंडा दिया हुआ था, तो हमने वहाँ पे डब्बा रखा हुआ था, उसमें हमने अंडे रखे पहले जमा करे, और फिर ना हम काउंट करते हैं अंडे कितने हो गए हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छः, छः अंडे हो गए, हाँ छः अंडे हो गए, सही है। हमने 6 अंडे ये रखे और घर में लेके जाएंगे, ये हम खाएंगे, क्योंकि अपना चूजे वूजे निकालने का मूड नहीं है। ये हमारी बकरी से दोस्ती हो गई अजान की, है ना भाई? अजान कैसी है ये? अच्छी है ना ये? हाँ, इसके देखो एक सींग टूटा हुआ है। अब दवाई लगाई थी, अब इसका सींग सही हो गया है तकरीबन। अब हम ना यहाँ पे पेटियाँ लगाएंगे, ताकि ना मुर्गियाँ यहाँ पे आराम से चढ़ के अंडे दें, और यहाँ से ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं ना अजान की, वो अजान के ही मुर्गे की आवाज़ है। शर्मा रहा है अजान। हाँ भाई,
अब ये लगा, अच्छा हमने ना ये लगा दी है तीन और मगरिब हो गई, और ये जो है ना हमें तंग कर रहे हैं, ये हमारे पाँव खा रहे हैं, ये छोटा भीम सबसे ज़्यादा बदतमीज ना यही है, ये अभी देखें इसको तंग करेगा ये तंग कर रहा है इसको देखा, और सबसे ज़्यादा गंदा गलीज भी यही है इसकी, असल में चक्की होती है ना जी। तो ये ना बहुत गंदा रहता है, इसकी चक्की हर हफ्ते धुलवानी पड़ती है, धोनी पड़ती है, धुलवानी क्या, खुद पकड़ के धो इसकी चक्की, देखो इसकी चक्की उठा के देखो तुम, इसको टक्कर मारेगा इसको मारा उठाओ उठाओ बच गए ये सही से टक्कर मारेंगे, हैं भाई तुम लोग कितने बदमाश हो ना मेरे प्यारे प्यारे से दोस्त गंजर जाओ टक्कर मार लो, ये बहुत मजे की मारता है, एक दफा टक्कर खाओ इसकी, जाओ छोटा भी मारो मारो, नहीं मार रहे, अच्छा जिनको जानते हो उसी को मारते हो तुम, मुझे यानी है, सब आके मेरे पास पास खड़े हो गए। आप इनके भी, इसके भी बाल कटवा दीजिए, इसके बाल जो है ना हम कटवाएंगे इंशाल्लाह एक दो दिन में, इनके बाल कटवाने के लिए ना किसी को साथ मिल के, अब इसके पता है इसके ना यहाँ पे देखो चोट लगी हुई है, तो इसके ऐसा टक्कर मारता है ना एक दूसरे को तो चोट लगी हुई है, अब जब भी इसके बाल कटेंगे ना, ये मारता है इसी ने मारा है तो अब जब इसके बाल कटेंगे तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें कि इस जगह पे ना लग जाए इसके। अब हमारा आज का मिशन कंप्लीट हो गया है, और हम जो है ना किसी और दिन किसी और व्लॉग के साथ मिलते हैं, अभी इन सबको पकड़ के ना मुझे बंद करना, इसको इसको और इस बिंकी को, ये बिंकी, इन तीनों को कमरे में बंद करेंगे क्योंकि रात को ना सर्दी हो जाती है, और फिर जो है ना इन लोगों को खाना भी दे देंगे, ये तीनों बाहर रहते हैं, असल में इनके पास मोटी खा लेना तो इनको बाहर रहने का मसला नहीं होता, तो अब फिर चार्ली को घुमाइए, चार्ली कैसे हो, ठीक हो, ओके आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़ करो, अजान सब्सक्राइब